सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। ये भविष्यवाणी है, अगर आप चाय बेचने वाले हो तो कल तुम फैक्ट्री चलाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, करण नबुवत ये भविष्यवाणी है, करें कि तुम बदल जाओगे, लेकिन आत्मा प्रेजेंस आपके अंदर होना चाहिए परमेश्वर का। अगर आपके अंदर प्रेजेंस नहीं है तो करें कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, एक बच्चा चलता है लेकिन उसका बाप और माँ उसके साथ ना हो, उसको अपने फ्यूचर का नहीं पता होता। जिस बच्चे के साथ माँ बाप बैठते उठते हैं, उसको गाइड करते हैं, वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में तरक्की करता है। याद रखना, आपको पता है, कितनों को पता ये बात, माँ बाप उसको पढ़ाते हैं शुरू से स्कूल में। कुछ माँ बाप के साथ बच्चे होते हैं लेकिन माँ बाप उनका ध्यान नहीं देते। आप समझ रहे हैं, वो झूठे ईश्वर हैं जो ध्यान नहीं देते। लेकिन याद रखना कि सच्चा ईश्वर वो है, उद्धार करता वो है जो आपके ऊपर ध्यान लगाए हुए आज। हालेलुया, हालेलुया। करे बच्चे, करे छोटे बच्चे, करे पढ़ते नहीं है, उनकी माँ उन्हें थप्पड़ मार कर भी पढ़ाती है, उनकी ट्यूशन भी रखती है। याद रखना, करें कि परमेश्वर आज से आपको बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर आज से आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने के लिए तैयार हैं चर्च, मैं कह रहा हूँ कि आज से तुम, करें कि भविष्यवाणी नहीं, करें कि आज से तुमने जो नहीं देखा वो भी देखना स्टार्ट करोगे यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं जोड़ा वो जोड़ोगे आज रात के बाद, लेकिन आत्मा के चलाए चलना है। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को आत्मा के चलाए चला दे। क्योंकि आत्मा कौन है? आत्मा उनके अंदर आना चाहता है। किन के अंदर? मंदिर के अंदर। मंदिर कौन है? कहता वो आप लोग हैं। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर उनके अंदर आना चाहता है जो नए सिरे से जन्म लेगा, जो पश्चाताप करके चलेगा, पवित्रताई में चलेगा। परमेश्वर उनके अंदर आना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को कहा कि तू नए सिरे से जन्म लेगा और तेरे ऊपर आत्मा उतरेगा। लेकिन कब? करा जब तू लोगों के बीच में, जहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस होगी। कहता कहाँ पर होगी? करा जहाँ पर दो या तीन जन बैठ कर प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर इस समय चर्च लगा हुआ है, वहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस है। और करा के जो तू मांग रहा है, करा वो आज रात तू बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो आज आप चाहते हैं आप बन कर जाएंगे। आप तैयार हैं वो बनने के लिए? यस। एक आदमी का करोड़ों का बिजनेस था, वो बॉम्बे से मेरे पास आया, नहीं सॉरी, वो करोड़ों का बिजनेस था, उसका बर्बाद हो गया। घर की बच्चों की फीस नहीं गई, लोन नहीं गया, किराए पर आ गया। उसकी पत्नी उसको कई बार बोलती रही कि मैं लाइव देखती हूँ और खुदा की प्रेजेंस में चल, लेकिन बोलता था कि मैं खुदा की प्रेजेंस में नहीं जा सकता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मना करता रहा। उसके खूड सब खूड बिक गए, हमारे हरियाणा में बोलते हैं उसके सारे खूड बिक गए, उसके पास जो था सब बिक गया। वो आदमी सुसाइड करने की नौबत में था, उसकी पत्नी सुसाइड करने जा रही थी अपने बच्चों को लेकर। और आपको बता रहा हूं, कुदरती मैं उस आदमी के पास पहुंच गया। कैसे? मैं एक बार बॉम्बे गया और वो आदमी मुझे होटल में अपॉइंटमेंट लेकर मिला, और वो बोलता है, कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूँ खुदा की प्रेजेंस आपके पास है, कह रहा मेरा सारा खोया हुआ वापिस आ जाए। आमीन। मैंने कहा अगर तू नए सिरे से जन्म ले, अगर तू आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे, कहता मैं कल नहीं आज ही विश्वास करूंगा, मुझे बताओ क्या करना है। मैंने कहा तू आज पश्चाताप कर और बोल यीशु ही परमेश्वर है, हालेलुया, और उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में रोज बुलाया कर। जिस दिन से उसने ऐसा कहा, और उसके मेरी फ्लाइट में से मैं उतरा भी नहीं हूं, कहता पापा 50 करोड़ रुपए की डील हो गई है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 50 करोड़ छोटे नहीं होते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है, आपको विश्वास करना है। एक आदमी, एक औरत मेरे पास आए, बोले पापा जब से हम आपके साथ जुड़े,
कह रहे कि उसके बाद क्या हुआ, कह रहा हमारी समुद्र में जमीन निकल आई, समुद्र में मैंने पहली बार सुन रहा हूं, कह रहे वो टापू में, कह रहे 8 किले हमारे निकल आए, गवर्नमेंट ने हमें दे दिए टापू तुम्हारा है, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर है, आपके पास ये धरती खत्म हो सकती है, मैं कह रहा हूँ आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, याद रखना। आपको उसके कलाम पर भरोसा रखना है, उसके वचन पर भरोसा रखना है। कह रहा है जब वचन आपके अंदर आएगा, आपके अंदर आत्मा भी आएगा, और आपके अंदर आत्मा आएगा, आप एक जगह स्टे नहीं कर सकते, आपका बिजनेस, आपकी दुकान एक जगह नहीं रहेगी, आप कहीं से कहीं जाएंगे चर्च। आमीन। क्या आपको विश्वास है? यस। आप तैयार हैं इस बात के लिए? यस। कह रहा लेकिन लोग वचन पढ़ते हैं, आत्मा के चला ही नहीं चलते, और फिर भी वो अफसोस करते हैं, उनको पता है लेकिन अफसोस करते हैं। आज फैसला ले लो, हाथों को उठाओ, बोलो आपका, कह रहा आज से परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलूंगा, मैं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में चलूंगा। पड़ोसी से पूछो किसकी प्रेजेंस में चलोगे आज से, पेड़ के, पत्थर के, पत्नी के, पति के, माँ के, बच्चे के, झोटे के, गांव के, ताके के, तबीज के, शराब की बोतल के, ठेके के, किसकी प्रेजेंस में चलोगे? कई लोग अपनी पत्नी की प्रेजेंस में चलते हैं, नहीं जहाँ तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगा तेरे पीछे पीछे, शक्की कहीं का। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, तेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी। आमीन। कई बच्चे, नहीं मम्मी मैं तेरे बिना ऑफिस में नहीं जा सकता, है मैं, परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, तेरी मम्मी घर बैठेगी, तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा, तेरे ऑफिस में तेरा बॉस तेरा सम्मान करेगा, आज रात तुझे सलूट मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहने दो चर्च, कहने दो आज मुंह से, बोलो मैं खुदा की प्रेजेंस में चलूंगा चर्च, खुदा की प्रेजेंस में चलूंगा, तेरी प्रेजेंस आए मेरे ऊपर, प्रेजेंस आए मेरे ऊपर। अरे ये जब तक नहीं कहोगे नहीं आएगी, अगर तुम कहोगे परमेश्वर अपना स्वर्ग से एड्रेस चेंज करके तुम्हारे पास आ जाएगा। आमीन। तैयार हो के नहीं? यस। तुम अपना एड्रेस चेंज करोगे कि नहीं? नहीं, मेरा नाम ईमा है, मेरा नाम चुम्मा है, मेरा नाम जुम्मा है, पता नहीं क्या क्या नाम फिल्मों में चल रहे, गंदे गंदे नाटक देख रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं, मेरा नाम ईना है, मीना है, टीका है, मेरा नाम ये है, वो है, फलाना है, जुम्मे के दिन किया था वादा, आजा जुम्मे को, तेरी माँ को मारे चाटा, ऐसे ऐसे गीत गा रहे हैं, ऐसी ऐसी फिल्में देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं खुदा की प्रेजेंस में भी रहना है। कहां से रहेगी प्रेजेंस? आप खुदा की प्रेजेंस उनके साथ रहती है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आमीन। और आत्मा उनके साथ रहता है जो वचन पढ़ते हैं डेली, जो प्रेयर करते हैं डेली। कह रहा है कोई आग तुझे झुलसाने ना पाएगी, कोई नदी तुझे डुबाने ना पाएगी। आमीन। अरे क्यों? क्योंकि खुदा की प्रेजेंस तुम्हारे साथ होगी चर्च। आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। हाँ कि ना? यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बोलते हैं कि मैं खुदा की प्रेजेंस मेरे पास आए, मुझे पता सबने मांग लिया, आज सबके साथ परमेश्वर जाएगा। आमीन। क्या टुकड़े करके ले जाओगे? स्वर्गदूत आएंगे, टुकड़े करके ले जाओगे? जरूरत नहीं है। वो इतना महान परमेश्वर है, वो अपनी एक आंख से पूरे वर्ल्ड को देख सकता है। हालेलुया। वो अपने एक कान से आपका आपकी बातों को सुन सकता है। वो महान परमेश्वर है। वो कह रहा है लेकिन कहता है कि मेरी प्रेजेंस उसके साथ चलेगी, जो रात को नाटक देखेगा मैं भी कभी बहू थी। मेरी प्रेजेंस उसके साथ चलेगी, मैं भी कभी सास बहू थी। जो देखेगा मौत का खंजर, लटकता हुआ कुआं, आजकल नाटक आ रहे हैं आहट, मैं कह रहा हूं ऐसों के साथ प्रेजेंस आएगी, आ बैल मुझे मार, नाटक देख रहे हैं भाई साहब और सपने में बैल मार रहे हैं उनको, किसके साथ आएगी? कितनों को चाहिए प्रेजेंस? आज समझ रहे हैं कि नहीं? प्रेजेंस उनके साथ आएगी जो आज नया जन्म लेकर जाएंगे, यहां से नया फैसला लेकर जाएंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं अगर प्रेजेंस खुदा की आई, मैं कह रहा हूं आप 40 साल का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय करोगे, याद रखना। आमीन। मेरे ऊपर खुदा की प्रेजेंस है। आप लोगों ने देखा अमेरिका में जब हमारी नई नई ब्रांच खुली, एक आदमी ब्रांच में से प्रेयर करा रहा था, मैं ऐसे खड़ा हुआ चंडीगढ़ में से सीधा हाथ कर रहा था रात को, मैंने कहा बैन तेरे को कैंसर है यूट्रस में, और डॉक्टर जवाब दे रहा, रोने लगी वो, मैंने कहा तू पंजाब से है, बोलती यस,
जो ऐसे में रहती है, कहती यस। मैंने कहा देख अगले हफ्ते गवाही आएगी, और अगले हफ्ते ही उसका कैंसर गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। लुया, मैं कह रहा हूँ खुदा की प्रेजेंस है, अगर खुदा की प्रेजेंस में रहोगे परमेश्वर चमत्कार करेगा। आज वॉलंटियर टाई लगा के आ जाते हैं, बोलते हम खुदा की प्रेजेंस में है। क्वायर साड़ी डाल के आ जाती है, हाले हाले लुया, प्रेजेंस में है, प्रेजेंस में, प्रेजेंस में है ये, मुझे सब मालूम है। हम वॉलंटियर को बोलते हैं, समझाते हैं वॉलंटियर को, समझाता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ इनकी। मैंने कहा खुदा की प्रेजेंस जब आती है, जब पवित्रता में चलते हैं तो उसी समय, लेकिन पवित्रता का मतलब यह नहीं कि आप पाप न करें और पाप से दूर रहें, लेकिन आपके अंदर आपका करेक्टर भी चेंज हो, आपका स्वभाव भी चेंज हो। हालेलुया। और उसी समय हम बोलते हैं, समझाते हैं इनको, चर्च में जो भी आए उससे प्रेम से बात करना, क्योंकि पहला कुरंथियों में लिखा 13:6 में, करे के प्रेम, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, करे बेशक वो भविष्यवाणी करे, बेशक वो पास्टर बने, बिजनेसमैन करे, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो ठनठनाता घड़ियाल है, वो समझ रहे कि नहीं, तो वो कुछ नहीं है, बेकार है परमेश्वर की नज़र में। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, बाइबल बोलती है प्रेम। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रॉफिट बनना है तो आपके अंदर प्रेम आना चाहिए लोगों के लिए। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अंबानी से बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो गरीबों के लिए दया आनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम आना चाहिए। आमीन। आपको पता है अंबानी कितने गरीब लोगों की हेल्प करता है? आपको नहीं पता। सलमान खान कितने गरीब लोगों की हेल्प करता है? लेकिन उसके अंदर प्रेम होगा तो वो गरीबों को दान देगा। आपके अंदर प्रेम नहीं है इंसानों के लिए, आपके अंदर प्रेम नहीं है। वॉलंटियर की बात बता रहा हूँ, हम इनको समझाते हैं कि बेटे खुदा की प्रेजेंस आएगी, प्रेम रखा करो, जो भी तुम्हारे चर्च में आए उनसे प्रेम से बात करना, क्योंकि उनको इस नज़र से देखना, वो बैल है, बैल, क्योंकि जो वो चर्च में पहली बार आता है वो बैल की तरह आता है, बहुत जल्दी होती है उसको, पहली बार जब आएगा तो उसको बड़ी जल्दी होती है। मैं पति की बात कर रहा हूँ, पत्नी की नहीं, बैल है वो, बैल। और मैं इनको समझाता हूँ, मैंने कहा भाई उनसे प्यार से बात करना, हमने उनको गऊ बना के भेजना है, क्योंकि उनकी पत्नियों तंग है, वो ऐसे बात करते हैं, कहाँ जा रही, क्या करने जा रही, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, चल क्या होता वहां पर, और कुर्सी पाकर बैठ जाते हैं, और कुर्सी बैठ के फिर फूकते रहते हैं अंदर अंदर, कब उठेगी तू, और ऊपर से वॉलंटियर उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको बोलते हैं, पहले बोलते हैं प्यार से, भाई साहब बैठ जाओ, जब वो थोड़ा सा बोलता है चल 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 चल, हमारे पास टाइम नहीं है, चल कुर्सी आगे घर हमारी, हमने आगे मिलना पादरी से, भाई साहब बैठ जाओ, वॉलंटियर आगे से उनके साथ अकड़ते हैं और गलत व्यवहार करते हैं आगे से। हम कहते वो बैल होते हैं, हम कहते हैं कि गायों हम उन्हें गऊ बनाएंगे, ये उन्हें सांड बना के भेजते हैं भाई साहब। वो कहते हैं अच्छा जा फिर, हम आज के बाद नहीं आएंगे, चार्ज बेवकूफ कहीं कहीं, सांड बना के भेज रहे हैं उनको। अबे कैसे आएगी तुम्हारे अंदर खुदा की प्रेजेंस? क्या बोल रहा हूं, अभी वो लेडी अंदर आ रही थी, मैं दूर से देख रहा था, मंत्र छुका रहा, आप आगे नहीं जा सकता। उसको कह, जब आई गई आगे तो बहन बैठ जाओ कुर्सी दो, उसको समझ रहे हैं कि नहीं, खुदा की प्रेजेंस लेना है तो प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, लेना है कि नहीं? yes. आज से अपने पड़ोसी को बोलो आपका नाम क्या है, www, आज से सबका नाम चेंज कर रहा हूं मैं, आज के बाद प्रेजेंस चाहिए कि नहीं? लोग बोलते हैं यीशु मसीह में जाते हैं धर्म चेंज करते हैं, अबे चुप, धर्म चेंज नहीं करते, हम नाम चेंज करते हैं आज से। हम क्या चेंज करेंगे आज से? आज से आप सबका नाम चेंज, आपका नाम है आज से प्रेम। अपने पड़ोसी को बोलो प्रेम, अपने पड़ोसी को बोलो तेरा नाम प्रेम है आज से। आप देखना गुंडे लाल को, मुंगेरी लाल को कैसे बोलेगा वहां से प्रेम। अपनी चंपा को भी बोलना प्रेम। आपकी औरत जब घर में गुस्सा करती है तो उसको बोलना प्रेम, ठीक है? तो करनी है प्रेम, हो सकता है, लेकिन याद रखना प्रेम नाम आपको करा प्रेजेंस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करा यीशु मसीह ने यही कहा, करा कि सबसे बड़ा प्रेम है। अगर मैंने प्रेम देख लिया, एक बड़ा पास्टर कभी नहीं बन सकता वो जिसके अंदर प्रेम नहीं है, एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, उसके ऊपर प्रेजेंस आ ही नहीं सकती, धन वाली प्रेजेंस,
याद रखना, जिसके अंदर प्रेम है उसके साथ उपस्थिति है परमेश्वर की। आमीन। उसके साथ चल सकता है परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं, बेशक मैं कितना भी गुस्से वाला आदमी हूं, लेकिन 5 मिनट के बाद मेरे अंदर प्रेम बहुत आ जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? हमारे में से 100 में से 90 गलतियां होंगी, लेकिन जिसके अंदर प्रेम है उसकी 90 की 90 गलतियां माफ करेगा यीशु मसीह। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? आज आपको सीखने को मिला है, अगर आप समझ गए, मैं कह रहा हूं उद्धार आज आपके गेट पर होगा चर्च। आमीन। हेलो, लुधियाने के गेट पर नहीं, आपके गेट पर होगा, मन के गेट पर। आमीन बोलने वाले खोल लो गेट आज, खोलो गेट आज। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहा है कुंडा खोल दे, मैं अंदर आना ही आज। चुप, तू नहीं आना आज, रब ने अंदर आना आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जितने हाँ कर रहे हैं आज, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर छुए आपको। आमीन। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको छुए, आपके बच्चों को छुए। आमीन। जितने रिसीव कर रहे हैं उनके फ्यूचर को छुए। आमीन। उनके हाथों को छुए। आमीन। बोलो आमीन। सुन रहे हो? कितने लोगों ने सुना है परमेश्वर का आत्मा, जब हम बूढ़े नहीं, जब हम छोटे थे तो कितने लोगों ने सुना है कि परमेश्वर का आत्मा कहाँ मिलता है? मंदिर में। कितने लोगों ने सुना? मंदिर में मिलता है ना। हमारे बाप दादे परदादे बताते थे कि परमेश्वर मिलेगा कहाँ? जोर से बोलो, मंदिर में, चर्च में, फटोड़ों में नहीं, गोसों में नहीं, मंदिर में मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने किसको कहा मंदिर? कह रहे हैं परमेश्वर ने आदम को सबसे पहला अपना मंदिर बनाया। हालेलुया। सुनो, कितनों को पता है ये बात, परमेश्वर ने आदम को अपना मंदिर बनाया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ लोग ऐसा ही बोलेंगे मेरा प्रचार सुनने के बाद, जिनको नॉलेज नहीं है बाइबल की। मैंने PhD की है बाइबल के अंदर, डॉक्टर डिग्री की है, मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बिशप हूं। समझ रहे हो? प्रॉफिट एक अलग चीज हूं, लेकिन मैं एक बिशप भी हूं। मैं ड्रेस भले नहीं पाता हूं चोला, लेकिन आपको अगर डराना है अगले संडे में चोला डाल के, नहीं मेरा बर्थडे है अगले संडे उसी अगले संडे आएंगे सारे। बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि बाइबल बोलती है कि हाँ, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आपको यकीन होगा। जल्दी से निकालने पहला कुरंथियों उसका 6:10 क्या लिखा? ना चोर ना लोभी। हाँ, क्या गलत पढ़ रही है? वो देखना, मंदिर, तुम मेरा मंदिर हो। दूसरे ग्रंथियां क्या? हाँ हाँ, 6:19 पढ़ो, 19। पहला ग्रंथियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दे, हेलो, पीछे चाय पीने वाला, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लाने वालों, क्रीम पाउडर लगाने वालों, कुर्सी में पंखा झोलने वालों, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा देह, तुम्हारी आत्मा है। हालेलुया। क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ। और तुम्हें, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा जिसने परमेश्वर का आत्मा पा लिया है, कह रहा किसने पा लिया है? जिसने आज यीशु मसीह के नाम पर भरोसा कर लिया है, जो आज चर्च में आ गया है, जो आज यकीन कर रहा है, उसने आत्मा पा लिया है, और आत्मा 100% आज कुछ करके जाएगा मेरे और आपके लिए। आमीन। आप परमेश्वर का मंदिर है, आपके अंदर आया वो आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको समझाता हूँ, उत्पत्ति की किताब 3:9 को पढ़ेंगे हम। सुनो, पहला मंदिर कौन था? आदम। आदम के अंदर परमेश्वर रहता था। हालेलुया। हालेलुया। आदम परमेश्वर को देखता था, मैं कह रहा हूं कि उसकी आवाज को सुनता था, लेकिन क्या हो गया? पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहां है? आगे, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा तू कहां है? इसका मतलब कि परमेश्वर उसे देख नहीं रहा है, क्योंकि उसने पाप कर दिया है। अरे आदम,
परमेश्वर को नहीं देख रहा है, इसका मतलब उसने पाप कर दिया है। जो इंसान पाप कर देता है परमेश्वर उसे देखना बंद कर देता है और उसकी आशीषें भी, आत्मिक आंखें भी बंद कर देता है। आदम की आत्मिक आंखें उस दिन से बंद हो गई जिस चीज को वो देखना चाहता था। आज मसीह लोगों की आंखें भी, आत्मिक आंखें भी बंद हैं, इसलिए वो परमेश्वर के दर्शन को देख नहीं पाते कई बार। इसलिए वो परमेश्वर की चीज बनाई हुई चीजों को करें वो देखते हैं, लेकिन करा उन चीजों को करा जो स्वर्ग में है उसका दर्शन नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, भले आप देख ना पा रहे हो लेकिन आवाज सबके सब सुनेंगे परमेश्वर की आज। आमीन। क्योंकि आदम ने अपनी आंखों से आत्मिकपन खो दिया लेकिन अपने कानों से नहीं खोया, उसके कान सुन रहे थे उसकी आवाज को। हालेलुया। भले आज यीशु मसीह यहां आपको खड़ा दिखाई दे रहा हो ना दे रहा हो, लेकिन मेरे अंदर से और जब खुदा के वचन को जब आप पढ़ते हैं उससे आज रात आपको आवाज लगाकर कहने वाला है, हेलो पतरस तू कहां है? आमीन। आदम तू कहां है? जितने सीटियां मार रहे हैं उनसे पूछ रहे तू कहां है? हालेलुया। तेरा जोश कहां है? तेरा बोल हालेलुया का कहां है? हालेलुया। तेरी ताड़ियों की गुंजगुजाहट कहां है? कह रहे शैतान ने तुम्हें फरमाया है, आदम को फरमाया है कि तूने फल खाया है, तूने पाप किया है, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं फिर भी तेरा इंतजार कर रहा हूं कि कब तू दिल का दरवाजा खोले और नए जन्म से, नए सिर से, नए सिरे से जन्म ले और मैं एक मसीह को नया जन्म दूं आज आपके अंदर आकर। आमीन। आपको मैं ढंग से समझाता हूं। इधर आ जा लड़के, तू भी आ जा फटाफट, आ जा दौड़ के। ये देखो बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, एक थोड़ा नीचे हो जाओ जैसे कुत्ता बैठता है, एक शेर बन जाओ, नीचे हो जा, एक ऊपर है एक थोड़ा नीचे हो जा, तू नीचे हो जा थोड़ा, तू ऊपर हो जा। ये कौन है? ये लोमड़ी है। कौन है ये? सारे बोलो लोमड़ी। मैं इसके पीछे से इसको नात मारूंगा, ये गुफा में जाएगा। चल गुफा में नहीं, इधर 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 गुफा इधर है, चलो भाई नीचे बैठ के चल, कैसे चलते हैं? देखो गुफा में जा रहा, चलो चलो चलो। क्यों जा रहा गुफा में ये? क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। बता रहा हूं आपको, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये लोमड़ी है और ये प्रेग्नेंट है, पहले खुले में थी लेकिन इसको बच्चा जन्मना था। इतनी अकल है इसको कि मुझे गुफा में जाकर बच्चे को जन्म देना है। हालेलुया। ये शेर नहीं है, अब मैं इसको भी लात मार रहा हूं, चल गुफा में। ये शेरनी भी अपनी गुफा में जा रही है क्योंकि ये भी प्रेग्नेंट है। चलो आगे चलो, प्रेग्नेंट शेरनी, ये प्रेग्नेंट है। देखो इसको भी इतनी अकल है जानवरों को कि हमें जन्म देने के लिए एक छत की जरूरत है, एक गुफा की जरूरत है। और आजा भाई तू, आजा लाल लाल कपड़े, आजा। ये मायावती है, सॉरी चंपा है, ये भी प्रेग्नेंट है। ये अपने घर में छत के नीचे जन्म दे रही है, सुन रहे हो? ये लोमड़ी बच्चे को जन्म दे रही है गुफा में, ये शेरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही है। औरत को भी पता है कि मुझे अपने घर में जाकर जन्म देना है बच्चे को या हॉस्पिटल की छत में देना है। लेकिन यीशु मसीह जब संसार में आया तो वो कह रहा था लोमड़ियों के पास छत है, सबके पास, जानवरों के पास भी सर छुपाने की छत है, मनुष्यों के पास भी है, लेकिन कह रहा मेरे पास पैर रखने की भी जगह नहीं है। कह रहा मुझे आज इंसानों के अंदर जन्म लेना है आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा इसलिए वो आपके अंदर गुफा ढूंढ रहे हैं, आपके मन में ढूंढ रहे हैं, कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी। आज रोकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेगा, आज पापा को छोड़ेगा। वो कह रहा है मेरा बेटा, ए मेरी बेटी, अपने दिल का दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर आज जन्म लेना चाहता हूँ। आज आज परमेश्वर का पुत्र आज आपके अंदर आना चाहता है। आमीन। यीशु अंदर आना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है मुझे भी आज एक नए मसीह को जन्म देने के लिए एक मंदिर की जरूरत है, एक शरीर की जरूरत है,
अगर इस लेडीज को बच्चा पैदा करने के लिए शरीर की जरूरत है, शेरनी को भी, लोमड़ी को भी, तो यीशु मसीह को भी, एक नया मसीह आपके अंदर पैदा करने के लिए उसको आपके शरीर आत्मा की जरूरत है। आमीन। इसलिए कह रहा है कि दे प्राण आत्मा, आपकी दे प्राण आत्मा अब से आपकी नहीं है, यीशु की हो चुकी है। हालेलुया। आज से आपका कोई माइका लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। हालेलुया। आप डरे नहीं, बस वचन पर भरोसा रखें और सारी लोमड़ियां शेरनियां भाग जाएं चुप अपने स्थान पर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनों को समझ में आया कि क्या लिखा? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। किसका मंदिर हो? किसका मंदिर हो? परमेश्वर का। जोर से बोलो, किसका मंदिर हो? परमेश्वर का। कितने आएंगे आज से यीशु की आवाज को सुनेंगे आज से? समझ में आया कि नहीं? कह रहा है शद्रक मेशक अबेदनगो, उनको आग की भट्टी में डाला गया। वो क्यों नहीं डर रहे थे? उन्होंने काम तुम्हें आग में डालेंगे, बोलते आग में, कह रहे ले चलो, कह रहे यार डर नहीं रहे। उसने कहा डर क्यों नहीं रहे ये? उस क्योंकि उनके पास वचन था। हालेलुया। क्या वचन था? हम पढ़ेंगे यशाया 43 का 3 देखें जरा। हाँ, क्या लिखा? जब तू जल में होकर पहले जाए, बता, ठीक पढ़ रहा हूँ मैं? यशाया की पुस्तक, हाँ, उसका 43 चैप्टर 43 अध्याय दूसरी आयत। हाँ पढ़ो। जब तू जल में होकर जाए, हाँ, मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, जब तू नदियों में होकर चले, हाँ, वे तुझे डुबा ना सकेंगी। हाँ, जब तू आग में होकर चले, हाँ, तुझे आंच ना लगेगी। हाँ, और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। शत्रक मेशक डरे हुए थे, शैतान उन्हें डरा रहा था, लेकिन उनके पास वचन था परमेश्वर का। क्या वचन था? जब तुम जल में होकर जाओगे, करे तुम्हारे संग रहेगा परमेश्वर, प्रेजेंस रहेगी। जब तुम नदी में होकर चलोगे, कोई तुम्हें डुबा ना सकेगा। जब तुम आग में चलोगे, करे आग जलाएगी नहीं, उसकी आंच भी तुम्हारे पास आने ना पाएगी। आमीन। क्योंकि तुम्हारे पास प्रेजेंस होगी। यस। इसका मतलब समझ जाओ, जितने लोग सुबह उठकर अपने कामों पर वचन पढ़कर जाते हैं और भरोसा रखते हैं और बार बार सही अंगीकार करते हैं, क्या हुआ? काम नहीं बना। तो लिखा है जब तू जल में होकर चलेगा, कोई नदी भी तुझे डुबा ना सकेगी। आग में होकर चलेगा, कोई तुझे जलसा ना सकेगा। आज हाथ उठाकर कह दो, जब मैं चलूंगा यहोवा के नाम से, कोई बीमारी मुझे मारने ना पाएगी। आमीन। क्योंकि यीशु का प्रॉमिस है, उसने, जिसने नया जन्म ले लिया है, जिसके मंदिर में यीशु आ गया है, कह रहा है कि वो पाप वाला पर्दा फट गया है। कह रहा है कि जिसके अंदर यीशु आ गया है, उसके लिए भविष्यवाणी है, बाइबल बोलती है, उसके ऊपर से मैंने मौत का डंक तोड़ दिया है। आमीन। बीमारी का डंक तोड़ दिया है। आमीन। कोई बीमारी तुम्हें झुलसा ना सकेगी, कोई कर्जा तुम्हें डुबा ना सकेगा। आमीन। ये बात याद रखना, आज आपके लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझे? मैं भविष्यवाणी करके भी समझा सकता हूं। कितने लोग मुझे भविष्यता समझते हैं? सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। क्या विश्वास कर रहे हैं? हैं? पानी की बोतल दे, खोल के दे, तेरे बाप का नौकर नहीं हो, खोल के दे रही है। थैंक यू जीसस। ये पानी जिस आदमी को मैं पिलाऊं, वो डूब जाएगा आज। करे आमीन। चुप। हाँ, ये आदमी ब्लैक मैंगो, सॉरी ब्लैक, हाँ ब्लैक फेस, सॉरी, हाँ वाइट शर्ट, यस माइक, हट जा, तो कोई ब्लैक है, आगे जा, ब्लैक पैंट डाल, हाँ शाबाश, माइक करो। कहाँ से आया? बम्बई। सुनो, मैं वचन बता रहा हूँ, ये आदमी हट जाए आगे से, हटो यार क्या कर रहे हो तुम। सुनो, ये इसके ऊपर समुद्र में अगर ये डूब जाए, पानी आ जाए, समुद्र के अंदर चला जाए, क्या डूब जाएगा? अरे हाँ के ना, हाँ डूब जाएगा। अगर डॉक्टर ने इसके ऊपर कोई बीमारी रख दी, स्टैंप लगा दी, क्या ये मर जाएगा? हाँ बड़ी बीमारी है तो मर जाएगा। लेकिन देखो,
यीशु मसीह ने कहा कोई नदी तुझे डुबाने ना पाएगी, कोई आग तुझे जलसाने ना पाएगी। शद्रक मेशक आग की भट्टी में थे, ये भी एक प्रॉब्लम की भट्टी में है। मैं आत्मा में देख रहा हूं आप अंदर से टूट रहे हो। HIV का प्रॉब्लम है, शर्माना नहीं। जोर से बोलो यस। क्या प्रॉब्लम है? HIV। तारीफ करें जोर से। मैं जब इधर आया मुझे एक एंजल दिखाई दिया, मैं से देख रहा हूं एक सिद्धार्थ। कौन है? मैं। क्या आप मेरे खुदा के लिए चिल्ला सकते हैं चर्च? हालेलुया। ये आदमी रो रहा है, तड़प रहा है, परेशान है, निराश है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आत्मा नहीं है। आप इसने खुदा की प्रेजेंस में चलना सीख लिया है। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस में चलना सीख लिया है। किसकी प्रेजेंस में? खुदा की प्रेजेंस में। सारे आदि यीशु मसीह को बोलो आई लव यू। आई लव यू। किस कर दो फ्रैंक किस। ओए नीचे नहीं ऊपर। मैं शर्म बोलो आई लव यू जीसस। आई लव यू जीसस। समझ रहे हैं आप? मैं प्रचार में भी कोड वर्ड समझाता रहता हूं तुम पापियों को, कईयों को। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई डरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये कब? ये शद्रक है। इस पत्नी है तेरी? सुनो, हाय, आया यहाँ पर? इधर है। आया है? हाँ। मैं आवाज लगाऊं? हाँ। कोई आपके घर के फैमिली को आवाज लगा रहा हूँ। सुजाता, कौन है? मेरे पत्ने। जोर से बोलो। प्रोफेसर। ओ मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा। ओ मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा। यीशु का मसीहा, मसीहा। यीशु का, मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा। हालेलुया। इतने नाच रहे थे उनके ऊपर आत्मा आ गया। आमीन। बैठ जाओ एक छलांग लगा कर। ये खुदा की प्रेजेंस दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये खुदा की प्रेजेंस है। अब ये प्रेजेंस में आया है। शद्रक मेशक प्रेजेंस में थे और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी, लेकिन कोई नहीं देख पा रहा था। एक राजा ने जिस आग की भट्टी में उन्हें डाला, सुबह ढक्कन उठाकर देखा, कह रहे कौन है? डर गया। कह रहे कौन है? कह रहे डर गया। कह रहे मैंने आग की भट्टी में 3 डाले थे, कह रहे 4 कौन आ गए? चौथा कौन था? लिखा वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। ओ मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा यीशु। ओ मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा यीशु। ओ मेरे यीशु का मसीहा। आत्मा को मांगना आज से, वचन पर भरोसा रखना है, क्योंकि शद्रक मेशक उस समय कह रहे थे, एक छलांग लगा के बैठ जाओ, उस समय कह रहे थे, वो आग में डाल रहे थे, भट्टी में डाल रहे थे, लेकिन वो आत्मा पाए हुए लोग थे, कह रहे थे कोई आग हमें झुलसाने ना पाएगी। खुदा का वायदा है, तू आज से आत्मा पाया हुआ है, आज से तू कहना स्टार्ट कर, कोई बीमारी मुझे जलाने ना पाएगी। yes. कोई बीमारी HIV मुझे डुबाने ना पाएगी। Amen. खुदा का आत्मा तेरे साथ है। Amen. अब तेरी रिपोर्ट पहले जैसी नहीं रहेगी। Amen. तेरा रोना, तेरा चिल्लाना यहोवा सुनेगा आज रात। yes. क्योंकि उसने दास ने तेरे ऊपर हाथ रख दिया है। yes. हाथ यहोवा का है। वो शैतान को आज हुक्म दे रहा तेरे अंदर से, वो चीखे चिल्लाए और निकल जाए आज। आओ निकल, आओ निकल, आओ निकल, आओ निकल, आओ फायर चिल्लाओ। ओ मेरे यीशु का मसीहा, यीशु का। मैं हाथ कर रहा हूं, मैं हाथ करके आशीर्वाद दे रहा हूं पूरे चर्च के सामने। HIV रिपोर्टें फट जाए यीशु मसीह। 2024 नॉर्मल का रिपोर्टों का साल हो इसके लिए। आमीन। कितने लोगों को प्रेजेंस में चलना सीख लिया है? प्रेजेंस में चलने का फायदा है कि नहीं? बैठ जाओ, बैठ जाओ।
आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। आज से तुम किसका मंदिर हो? परमेश्वर का। हाँ, अब हाथ वाले मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करता, आज से वो इंसानों की देह में वास करता है। अगर लिखा वहां पर आज अच्छाई क्यों है, आज बीमारियां क्यों है, क्योंकि उसने कहा जो इस मंदिर को नष्ट करेगा पाप करके उसको मैं नष्ट करूंगा। इसलिए आज से आप कहें हाथ उठाकर कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। मैं कह रहा हूं ये साल आपका आशीषों भरा साल होगा चर्च। कितने लोग डिजायर देखना चाहते हैं परमेश्वर की? क्या आपके अंदर डिजायर है परमेश्वर की? क्या आपके अंदर दर्शन है परमेश्वर का? सुनो, बैठ जाओ। मूसा के पास एक रात परमेश्वर की आवाज आई, डिजायर आया, दर्शन आया। उसको कहा मूसा फटाफट पहाड़ी पर आ जा और उसी समय मैं तुझे वहां मिलूंगा। सुन रहे हैं मेरी बात? और वो पहाड़ी पर चला गया, पहाड़ी पर गया। परमेश्वर ने कहा सुन, मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, 144,000 लोग जो तेरे साथ हैं अपनी कलीसिया लेकर कनान देश में चला जा, कनान देश में। और मूसा समझ गया। मूसा ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मूसा ने कहा जंगल में शेर होंगे, चीते होंगे, भालू होंगे, दुख होंगे, तकलीफ होगी, अकाल होगा, पानी नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, समस्या होंगी, इतने साल हमारे पास पैसा नहीं है, सिलेंडर नहीं है, गैस का चूल्हा नहीं है, हम कैसे खाएंगे, हमारे पास कपड़े नहीं है। उसने कहा परमेश्वर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरे साथ चलू, तेरे कहने पर चलूंगा। सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहा तेरी प्रेजेंस चाहिए परमेश्वर, उस जंगल में तेरी उपस्थिति चाहिए, कनान देश जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर को कहो। गवर्नमेंट जॉब देना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, फैक्ट्री खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए बच्चा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे सफर में तू मेरे साथ चल परमेश्वर। आप कहना के लिए तैयार है कि नहीं? मूसा कह रहा था और परमेश्वर ने उसे कहा ठीक है, अगर तेरे लोग कह रहे अपने मन में नए सिरे से जन्म ले ले, कह रहे कि आज से मैं उनको अपना मंदिर बना लूंगा, आमीन, आज से उनके साथ रहूंगा, उनके साथ चलूंगा, आमीन, प्रेजेंस में रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे 40 साल जंगल में चलते रहे, उनके कपड़े नहीं फटे, मैले नहीं हुए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी उपस्थिति उनके साथ थी। हालेलुया, हालेलुया। करे किसी बारिश में वो डूबे नहीं, उनकी पैर की चपले घिसी नहीं। कह रहा है क्यों? 40 साल पैदल चलने के बाद भी, और यहाँ वाली जो औरतें होती हैं इनके घर में चले जाओ, भाई साहब सब्जी लेने जाएंगी बाहर घर से, इनके घर में 120 सैंडल मिलेंगे आपको। पति के पास 2 सैंडल होंगे, चप्पल होंगे, जूते होंगे, पत्नियों के शोरूम खोल के देखना, पीली सैंडल, हील वाली सैंडल, नीची सैंडल, स्लीपर सैंडल, फलानी सैंडल, चमकती सैंडल, कौन कौन सी सैंडल होगी, रोज तोड़ कर आ जाती हैं बहाने से। लेकिन इसराइलियों के ना जूता घिसा, ना चप्पल फटी, ना कपड़े फटे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करना, सैलरी 5,000 भले क्यों ना हो, लेकिन ये भविष्यवाणी आपके लिए, सैलरी 50,000 क्यों ना हो, आपका खर्चा चल क्यों ना रहा हो, आपके मेंबर बढ़ क्यों ना गए हो, आप के खर्चे बढ़ गए होंगे, लेकिन याद रखना परमेश्वर आज से तुम्हारा एक भी काम फटने नहीं देगा, आमीन, आपके बर्तन टूटने नहीं देगा, आमीन, आपके बच्चे खराब नहीं होने देगा, आमीन, क्योंकि तुम परमेश्वर के अगुवाई में चलना सीख गए हो, आमीन, तुमने आत्मा पा लिया है, यस, आमीन, तुमने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, आमीन, अपना एड्रेस चेंज कर दिया है आज तो मेरा खुदा आज ही रात अपना एड्रेस चेंज करेगा स्वर्ग से, तुम्हारी देह में वास करेगा आज, आमीन, तुम्हें फिर से नया बनाएगा आज, जो आदम नहीं देख पाया आज से तुम लोग वो देख पाओगे यीशु मसीह, आमीन, क्योंकि तुम खुदा का मंदिर हो। आइए हाथों को उठाओ, आज आज वो मंदिर हाथ उठाएं, आज आज बोलो परमेश्वर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, मैं आज तेरे सामने गिड़गिड़ा कर पश्चाताप करता हूँ,
मैं शर्म नहीं करता हूं परमेश्वर। आज जितनी ब्रांचें मुझे देख रही हैं परमेश्वर, मैं सबके लिए घुटने टेक कर परमेश्वर तेरे सामने तेरे लिए रोता और गिड़गिड़ाता हूं। इन लोगों के लिए आज से इनके अंदर प्रेम भर दे परमेश्वर, आज से इनके अंदर दया भर दे परमेश्वर। मैं आज इनके लिए बैठ कर लेट कर परमेश्वर आज तेरे सामने इनके लिए माफी मांगता हूं परमेश्वर। मेरे प्रभु इन्हें फिर से नया जन्म दे दे आज से, इनकी गलतियों को माफ कर दे परमेश्वर। हमें नए सिरे से जन्म दे दे परमेश्वर। तूने कहा जो मुझसे जन्म है वो पाप कर ही नहीं सकता। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तूने मूसा को कहा मूसा अब मैं तुझे पहाड़ी पर नहीं मिलूंगा, अब मैं अपना एड्रेस चेंज करूंगा, अब मैं इसराइलियों के बीच में मिलूंगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज विश्वास करना, आज आपको ऊंची पहाड़ियों पर जाकर भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आज आपको अनॉइंटिंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आज का प्रचार? कि आज खुदा को कहो कितने लोग मेरे से, लाखों में से 10 लोग अनॉइंटिंग लेकर चले जाएंगे, सब नहीं ले सकते, लेकिन जितने खुदा की प्रेजेंस में चलेंगे सबके सब कनान देश में पहुंच जाएंगे। आमीन। आज से बोलो मुझे परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में चलना है। yes. तेरी अगुवाई में चलना है, तेरी अगुवाई में चलना है। आज से एक कभी बच्चा का काम कच्चा नहीं गिरेगा, याद रखना। आमीन। ये भविष्यवाणी है आज। yes, आमीन। आज परमेश्वर इन लोगों को छू ले आज, आज मेरी कलीसिया को छू ले आज, आज मेरे मेंबरों वॉलंटियरों को छू ले आज। मैं इनके लिए रोता हूँ परमेश्वर आज, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो परमेश्वर आज, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले परमेश्वर आज, कोई दुख ना कोई बेमलाल हो। हाँ पवित्र आत्मा, कोई दुख ना, आज अगर किसी का बच्चा बीमार है मेरे आंसू से चंगा करें आज, कुप्पी में रख ले परमेश्वर। आज का अगर किसी का फ्यूचर नहीं खोला परमेश्वर, इनके आंसू इनका फ्यूचर खोल कर जाए आज। आमीन। इनका टूटा हुआ मन इन्हें आशीष दिला कर जाए आज। आमीन। आज जो टूटे हुए मन से बलिदान चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, आज मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ आज। आमीन। ब्लेस करता हूँ आज, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल। बोलो आमीन। आमीन। बोलो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। विश्वास से कहें आज प्रार्थना करते करते, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल। मैं यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा को महसूस कर रहा हूँ, कोई दुख ना कोई बेमलाल हो। मेरी आंखें भर रही है, कोई दुख ना, मेरी आत्मा भर गई आज। वो आपके ऊपर आना चाहता है, वो आपके ऊपर आना चाहता है, वो आपके ऊपर आना चाहता है। जलाल हो, जलाल हो। सब कहें, सब प्रार्थना करते रहें, यीशुआ सब पुकारे आज आसमान के खुदा को, यीशुआ याद रखना आत्मा आएगा आज, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा चर्च, मेरे मन में आपके बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, आमीन, आपकी हड्डियां पहले जैसे नहीं रहेंगी आज, आमीन, आप आजाद हो जाएंगे आज, आमीन, यीशुआ से कहे, आत्मा से कहे, यीशुआ पुकार लो मेरे यीशु को आज, हाँ पुकार लो मेरे पापा को आज, पुकार लो मेरे डैडी को आज, पुकार लो आज, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। आज बहने दो अपने आंसुओं को, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन।
मेरी आत्मा तेरा आंसू, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे दिल में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा यीशु आ चुका है आज आपके दिल में, वो आपके अंदर जन्म ले चुका है, एक नया मनुष्य तत्व आपके अंदर आ चुका है। आज से भविष्यवाणी है परांचो तुम्हारे लिए, ऑनलाइन चर्च वालों, चर्च में बैठने वालों, जिन्होंने खुदा को पुकारा है, हाथ उठाने वालों, आज से तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे अब से। यस आमेन। सारी भेड़े चंगी हो जाएंगी आज, आमेन। सबके सब कर्जे से आजाद हो जाएंगे आज, आमीन। सबके सब घर आनंद आएगा आज, आमीन। तुम शांति के साथ बचाए जाओगे, आमीन। तुम परमेश्वर के दर्शन को देखोगे, आमीन। तुम आज के बाद शांति को पाओगे, आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओगे, आमीन। आमीन। सारे बोले हालेलुया। नेपाल में ओपनिंग आज, नेपाल ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश नेपाल ब्रांच, ताड़ी बजाओ नेपाल के लिए। नेपाल ब्रांच, आज से तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में, तुम आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे काम सफल होंगे, आमीन। मैं देख रहा हूं तुम बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हो जो जादू टोने के शिकार हो, और अब से परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तुम बिल्कुल आजाद हो जाओगे आज से यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तुम्हारे काम खुलने लगेंगे आज से। नेपाल ब्रांच उधर से लेफ्ट से दिखा, इधर दिखा रहा है कैमरा, इधर कर वापस कर कैमरा। मैं इसी समय बोल रहा हूं और इसी समय वो जादू टोने वाली गंदी आत्मा बाहर निकल रही है नेपाल में से। मैं चीखूंगा और कहूंगा, अभी वो चीख कर बाहर निकलेंगी आज, निकल आओ, बाहर आ जाओ, आउट आउट आउट, निकल आओ। नेपाल में से गंदी स्प्रिट इस ब्रांच में बैठी हुई, गंदी स्प्रिट बाहर आ जाए, आउट, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। और दिखाऊं अभी जरा ब्रांच को, वहां पर देखो नेपाल में अभी वो दुष्ट आत्मा से लड़ी शिकार एक पिंक सूट में अभी आजाद हो गई है। बच्चे जानी में गिल्टियां गांठे हैं उसके, भविष्यवाणी है ये, वो फ्री होगी इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ सुनो, आपसे बात कर रहा हूँ, स्टैंड अप। ओ चेक शर्ट वाला लड़का पीछे कर कर, सुनो कहां से आए बेटे? हाँ कम यार, टाइम खराब ना कर मेरा। सुनो वहीं से सुन, नीचे बैठ जा, ये गंजे के बाल आने वाले हैं, चिंता ना कर। सुन रहे हो, वहीं से सुन ले, वहीं से सुन ले, तेरे पेट में इंफेक्शन है, बड़ी बीमारी है, अभी तू आजाद होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। भीम कौन है? भीम, भीम किसका नाम है? भीम, मैं कह रहा हूं भीम। हाँ कम एयर, कम एयर, कम एयर, दौड़ करा, शाबाश, फिर से गाओ, फिर से गाओ। बंदर टूटते देर लगे ना, कैदी शूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे, कर देता है, कर देता है रे हम सो यीशु का,
गोरी देता है रे हो मसा यीशु को ओ मेरे यीशु का मसा मसा यीशु को खड़े नहीं होना किसी नीचे बैठो आप डिस्टर्ब करते हो आप खड़े हो जाते हो हालेलुया आप भविष्यवाणी को रोक देते हो नीचे बैठने दे नीचे बैठ जाओ यहीं बैठ जाओ बस ये गलरी छोड़ दो बस बैठ जाओ हालेलुया सुन बेटे आशीष चाहिए तो मेरी बातों को सुनना आज आशीष चाहिए तो मेरी बातों को सुनना आज हालेलुया हां हां क्या नाम है बेटे टीम मैं तुमको देखकर पानी पी रहा हूं क्योंकि मुझे प्यास नहीं लगती है तो ब्रा चाहिए वेट अपॉन गॉड सुनो आप एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हो आप मुझे ऐसे नहीं बोलो आपको ले हैंड प्रे कराना है रजिस्ट्रेशन कराओ सोलो उतर आके कराओ स्पेशल कराना है अंदर आके कराओ उससे ज्यादा स्पेशल कराना है अपॉइंटमेंट लो मिलो एक घंटा मेरे साथ समझ रहे हो ऐसे मुझे जो प्रभु का आत्मा बोलता है मैं उसके चला ही चलता हूँ ठीक है ये बहन कह रही है मेरे लिए प्रार्थना कर दो बीच में डिस्टर्ब कर रही है खड़ी हो जा चलिए पानी पी ले बस तू ठीक हो जाएगी फिर हालेलुया डॉक्टर कहना प्रोफेट बजिंदर को नवी टेक्नोलॉजी है फिर पानी पी ले फिर पानी पी ले माड़ा मोटा गया अंदर ले पानी पी ले हम डॉक्टर ने मेरी वीडियो दिखा दी जब टेस्ट कराएंगी और बाद डॉक्टर ने वीडियो दिखा दी वो कहेगा मैं तू कितना ठीक होगी उन्होंने कहा ए नई टेक्नोलॉजी सी उन्होंने मैंने चार बार दवाई पिलाई यीशु मसीह दी बैजो बैजो हुण सारे ने दवाई पियो हुण सारे बोले हालेलुया हालेलुया आप भीम हो आप लगते नहीं हो आप भीम हो जी नहीं मतलब भीम जो होता है वो तो बहुत मोटा होता है ताकतवर होता है जी आपके इलाके में भी कोई भीम हो सकता है यहाँ पर कोई है भीम आया कोई मोटा सा कोई है नहीं भीम हाँ भाई इधर आ भाई काली टी शर्ट खड़ा हो गया आगे आ जा ऐसे बराबर से खड़ा हो जा जल्दी कर खड़ा हो दिखा कैमरे में दिखा इसको ऐसे खड़ा हो ये है भीम ऐसा होता है भीम लेकिन पहले तेरी माँ ने जब तेरी फोटो देखी तो तू भी ऐसी था जी सही कह रहा हूँ मैं जी लेकिन शैतान ने तेरे को ऐसा कर दिया पहले हम चार चार पांच पांच को अकेले देख लेते थे आज मेंबर है तू साडा तेरी कुश्ती करानी बनी है नाल चार चार पांच पांच को तू जा यार ये इसका दिमाग ना खराब हो जाए तू जा सारे बड़े हालेलुया कह रहे चार चार पांच पांच को अकेले देख लेते थे सच्ची में भीम था इसको देख लेता वह मैं पूछ रहा हूं इसको देखता अब चांटे चूटे लगाता इसको रात को कि नहीं कहता जब से यीशु मसीह आए तब से हम देखने लगे तब से देखने लगे जी।
उससे पहले पापी थे हम। कोई बात नहीं, पापी बुलाए गए हैं यहाँ पर, रोना नहीं, पापी बुलाए गए हैं आज। मैंने क्या कहा, लोमड़ी भी जन्म देती है गुफा में, औरत भी छत के नीचे जन्म देती है। यीशु मसीह तेरे अंदर एक नए मसीह को जन्म देगा आज। आया आया क्या नहीं आया, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। मेरी भविष्यवाणी लोगों को हिला देती है। यस, सुन रहे हे कंचन, क्या नाम है तेरी पत्नी का? कंचन। मेरे यीशु का मतलब अपने पड़ोसी बोला, तुम्हारे पादरी ने गोटियां खेलने छोड़ दी हैं, कंचे खेलने छोड़ दिए भाई साहब। मैंने कंचन तेरी पत्नी है, तेरे अंदर नए मसीह, एक नया मसीह जन्म ले चुका है आज। यस आमीन। अब ये वो भीम नहीं रहा। यस आज से तेरे से प्यार करेगा। यस उधर वाला गाल दिखाएगी, उधर वाला, हाँ नहीं उधर वाला, जितने चांटे इसने इधर मारे हैं। यस यस अभी तो आपने क्रीम लगा के उसको मिटा दिया है, लेकिन मैं पांच उंगलियां देख रहा हूँ यहाँ पर, नहीं सॉरी चार, ये फिल्म का डायलॉग होता है, पांच पांच तो किसी औरत पे नहीं छपती, घर जाके देखना पति से करवा के, चार चार देख रहा हूँ, बहुत छापी है तूने जी। कंचन सही कह रहा हूँ कि नहीं? जी जी पापा जी सही। आज से मेरी बेटी ये बदल गया है। यस आमीन। सुन, जब इसने कहा मैं पापी हूँ, आज से आत्मा इसके ऊपर आ गया। yes. जब मैंने इसके ऊपर हाथ किया, इसको करंट लगा। yes. और मैं आज से इसको ब्लेस करता हूँ। आमीन। मेरा 500 का नोट तेरी जेब में चला गया है, सुनो और चेक करो, उसमें कहीं पर ऐसे 50-50 आएगा, मतलब 50-50, या फिर शुरू में आएगा 15, फिर 50-50 ऐसे कुछ आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जी आपने प्रोफेसी किया, इनके पास एक ही नोट है, इसमें लिखा है 50-50। सुनो चुप, मैंने क्या बोला, पहले 15 आएगा, 50, अरे 50-50 भी आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐ चक्कर लाली 500 का तेरे से ले लूंगा आज रात। मैंने क्या कहा, 15 फिर 50-50। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। सुन रहा है, ये आज से तेरे लिए निशानी है, समझ जा, प्रभु आज से तेरे कामों को खोलने के लिए जाता है। आमीन। नया घर बनाएगा तू। आमीन। जाते हो आप? yes. काफी समय से मांग रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको छोटे जगह पर नहीं रखेगा। yes. आपसे बड़ा करेगा। yes. जब आत्मा आता है, शाऊल को कहा आत्मा तेरे ऊपर आएगा, तू पहले जैसा मनुष्य नहीं रहेगा। yes. लोग बोलेंगे तेरे को कि क्या हो गया, कहाँ गया था? yes. बता देना, प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में गया था मैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया हालेलुया। विश्वास कर रहा है? yes. लालू को जानता है? yes. है? yes. कहाँ से आया तू? बिहार से। हालेलुया। लालू प्रसाद यादव को तरफ, मतलब वो तो है नहीं है, सुनो जो भी है, मतलब बिहार में जाकर बताना, इधर खटना इसके ऊपर का डायरी। मैं तेरे को एक स्कीम निकलेगी गवर्नमेंट की, उसमें तेरा फोन नंबर लिखा होगा। yes. मैं देख रहा हूं, एक बैंक में से तेरे को फोन आएगा, लोन मिलेगा। yes. बहुत सारे ग्राहक इस नंबर से आशीषित हो जाएंगे। yes. सुनो ऊपर कर,
कैमरा दिखा, पकड़ के रखियो, नहीं तो अगला चांटा तेरे कान पे पड़ेगा। यहां से पकड़ घन चक्कर, ऐसे पकड़। नीचे से पकड़ ले, लिखेगा तेरे बाप की, फिर भी लिखूंगा। अरे बस बस बस, देखो देख रहा है क्या लिख रहा हूं मैं। ये देख स्क्रीन पर देखो, आराम से हम दिखाओ। ए 02003 नंबर मेरा। किसका नंबर है? मेरा नंबर मोबाइल नंबर। इसको पूरा कर दे, इसको पूरा कर दे, इसको पूरा कर दे। मैंने 5 अक्षर लिखे हैं तेरे, पूरा कर दे, पूरा कर दे, दिखाओ पूरा लिख के दिखाओ। और पादरी फोन निकालो, फोन निकालो और फोन लगाओ, पब्लिक को दिखाओ। हम ऐसा नहीं बोल रहा है, हम ऐसा नहीं बोलता है, हम यीशु के अनुग्रह से बोलता है। फोन लगा पादरी, फोन लगा, फोन निकालो अपना, स्विच ऑफ तो नहीं कर दिया तूने? हाँ लगाओ, इसको तो ये खुद मिला है, मिल रहा है। ओ मीठा मीठा हसन, चुप। फोन 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 काले उठाओ। हेलो हेलो, बोलो बोलो। हाँ पापा जी, कौन बोल रहे हो तुम? हम भीम बोल रहे हैं। भीम भीम, अबे चुप चुप भीम, तुम्हारे अंदर यीशु बोल रहे आज। हालेलुया, बोलो यीशु का मसा मसा, यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा मसा, यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा मसा, यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा, यीशु। हालेलुया, आज से जितने ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर हुए, तुझे मारने के लिए हुए, मैं तेरे लिए बता रहा हूँ। क्या बात, 500 का नोट चिपका के रखेगा? हाँ, सिर पे टांग दे, उसकी रबड़ भी लगा दे इसके साथ, सुन रहा है तो। हाँ, आपको ब्लैक मैजिक आप ही के घर वालों के आस पास से किसी ने किए, आपकी प्रॉपर्टी का चक्कर, आपको काला जादू किया, आपकी तनख्वाह सारी लूट लिया गया, आपका हक भी नहीं दिया, जो आपने जहाँ काम किया उसने भी मार लिया। हम 10 लाख रुपए बर्बाद हो गया, 10 लाख रुपए बर्बाद हो गया। परमेश्वर ने कहा अगर आज मसीह ने तेरे अंदर जन्म लिया है तो जितना तूने गवाया है उससे डबल आज रात के बाद पूरे 3.5 महीने के बीतने से पहले तेरे घर में होगा यीशु मसीह का नाम। सब लोग कहेंगे भीम, तू भीम नहीं रहा। हालेलुया, और कंचन कंचन नहीं रहेगी, क्योंकि कंचन रानी बनने वाली है। बोला हालेलुया, आशीर्वाद उतरेगा। और जिस समय मैं सांप और बिच्छू को देख रहा हूँ तेरे अंदर, और उसी समय निकाल रहा हूँ उसको बाहर, आउट, निकल आओ, चलो चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ, बाहर फ्री हो जाओ। टच, ओ मेरे यीशु का मसा मसा, यीशु, ओ मेरे यीशु का मसा मसा, यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा, यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा, यीशु का। बेटा कौन मांग रहा है? बेटा कौन मांग रहा है जिसके पास बेटी है? मेरा बहन है। बहन, आपका बहन जी, आपका बहन जी। बहन क्या होता है? बहन सिस्टर, सिस्टर जी। हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा हिंदी कमजोर है मेरी। हाँ सिस्टर, सुनो हमको कैसे मालूम जी? आप यीशु मसीह? हाँ कंचन जी, कंचन ही खेलता तेरा पादरी, सही बोल रहा है जी। तेरी बहन गर्भवती होने वाली है। आमीन, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, बोलो यीशु मसीह की जय। ओ बंधन टूट, सरिया से बोलो, हाथ निकाल के बोलो यीशु मसीह की जय। फिर से बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। नारा पूरा हाथ निकाल के निकालेगा, उसकी रोटियां सपड़ेंगे नहीं आज, उसका बैंक बैलेंस सपड़ेगा नहीं आज। आमेन, बोलो बोलो बोलो।
बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आ गया कि नहीं? किसके चलाए चलोगे आज? यीशु के। हाँ, बैठ जाओ। मैं इसी समय आत्मा में देख रहा हूँ, अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करेगा। सब बैठो, देखो मैं आपको पेशेंट रूम में लाइव दिखाता हूँ। कैमरा लगा फटाफट, जल्दी दौड़कर मैं आपको पेशेंट रूम में दिखा रहा हूँ कि मैं पेशेंट रूम में लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। बैठो यहीं पर, स्क्रीन पर देखोगे आपको हिलेगा नहीं अपनी सीट से। अपने हाथों को उठाओ और रुमाल निकालो, बैठे बैठे शाबाश। अगले तीन गिनते ही देखो आपकी गवाहियां डबल होंगी आज। घुमाओ शाबाश, घुमाओ घुमाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हाँ बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे। कर देता है रे हाँ मजा यीशु का, कर देता है रे हाँ मजा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मजा, मजा यीशु का, मेरे यीशु का मजा, मजा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मजा, मजा। हालेलुया। भेजी अग्नि भे रूकी अग्नि भे भे। देखो सुनो सुनो, मैं पेशेंट रूम में यहाँ से दुआ कर रहा हूँ और उसी समय कैमरा लगाओ और दिखाओ स्क्रीन पर आप आशीष को देखेंगे अभी अगले पांच मिनट में। कितनों को प्रेजेंस चाहिए परमेश्वर की आज? आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो, जितने आपकी बुराई करते हैं, जितने आपकी नाम धराई करते हैं, आज से मैं कह रहा हूं कि आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे यीशु के नाम। घुमाओ रुमाल, घुमाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, रुमाल लगाता हूं, आशीष एक बंदा आशीष आ जाए इस रुमाल में। हालेलुया। और इसी समय परमेश्वर इनको छू ले आज। सब रुमाल रख लो, अरे यहां से खोल ले। सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा ला तेरे को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा ला तेरे को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा ला तेरे को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा ला तेरे को जिंदा कर दे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, देखो मैंने एसी रूम लगाया पेशेंट के लिए, अभी हवा मैं ले लूँ। दिखा कैमरे में, ठीक है? हाँ ठीक। हाँ हाँ, ये देखो आपके सामने के बीमार हैं, प्रॉब्लम में, समस्या में, ग्लूकोज लगे हुए हैं। आजाद हो जाओ, कब से प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, हैं? 2.5 साल से। जोर से बोलो, 2.5 साल से। 2.5 साल से, 2.5 साल से। आपको कब से प्रॉब्लम है? 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। हाँ सुनो, क्या प्रॉब्लम है बहन? डॉक्टर क्या कह रहा है? ठीक नहीं हो सकते, हट जाओ, रुमाल दे फटाफट, बंद कर उसे पर्दे को। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आपको विश्वास करना है, आत्मा आज मेरे ऊपर है, मैं हाथ रखूंगा आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग को खोलता हूं उसके ऊपर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, आउट, निकल आओ बाहर, जाएं आजाद हो जाएं। और इसी समय इसके शरीर के ऊपर से वो बंधन टूट जाए, ब्रेस्ट में से
हर एक इन्फेक्शन खत्म हो जाए, कमर लंगड़े बेड पेशेंट आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, मेरी तरफ देखो, आप मेरे हाथ की तरफ देखो, जो मैं जिसकी तरफ हाथ कर रहा हूँ उसके बाद आप चेक करना 50, 40, 30, 0% बीमारियां साफ। आमीन। आमीन बोलो आप। आमीन। पहली बार आए हो जी, रिसीव करो आप। बोलो यीशु, यीशु मुझे अपना आत्मा दे। ए लड़कियों बार मत मत बात कर, मुझे अपना आत्मा दे। इसी समय प्रभु आपको छुए। स्टैंड अप, जोर लगाए, कोशिश कर, पकड़ो पकड़ो लड़के उधर से। शाबाश शाबाश जीसस, छोड़ दे। हाँ शाबाश, आओ और इन्हें स्टेज पर ले जाओ। चलो सुनो, हाँ एक मिनट रुक जा। शाबाश, हालेलुया। चलो जोर से तारीफ करो। चोर से तारीफ करो, चोर से। यहोवा का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। चलो वापस, हालेलुया। चलो जो नहीं कर सकते करो, चलो शाबाश, जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने तारीफ कर सकते हैं यीशु की। चेक करा लेना, गारंटी दे रहा हूं, अभी हड्डियों में नसों में जो काम नहीं कर पा रहे करोगे। उठो, चेक करो, शाबाश शाबाश शाबाश। चोर से बंधन टूटते दे रहे, चोर से तारीफ करो। चलो तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। यीशु का ओ मेरे यीशु का मसा, यीशु का। बाहर ले आओ, चलो 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 चलो, कैमरे के साथ चल, कैमरे के साथ चलो, स्टेज पर चलो, इधर चलो 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 चलो। मेरे यीशु का मसा, यीशु का जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। चलो शाबाश, छोड़ो चलो। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे। रुमाल घुमाओ, गेट खोलो, गेट खोलो, रुमाल घुमाओ, शाबाश। इसी समय वो गंदी आत्माएं बाहर निकलेंगी आपके अंदर से, वो जुआ टूटेगा आपके अंदर से। अब इसी समय बोलूंगा, लोग आजाद हो जाएंगे, रोकना नहीं किसी को। जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको आगे आने देना, बस पीछे रहो थोड़ा। अब इसी समय निकल आओ गंदी स्पिरिट, आग लगाता हूं, निकल आओ निकल आओ निकल आओ। आंसू की हड्डियों में जान भरी दे, मुर्दा लाज को जिंदा करी दे। निकल आओ, मैं कह रहा हूं निकल आओ निकल आओ। स्क्रीन की तरफ देखो और इसी समय गिल्टियां पार, ए जादू टोने वाली आत्मा हो पार आ जाओ। चलो दौड़ते हुए निकलो 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 निकलो। ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। बंधन टूटते तेरे लगे ना, कह
कैदी शूट ते देर लगे ना बंधन टूट ते देर लगे ना कैदी शूट ते देर लगे ना कर देता हरे हो मसो यीशु को कर देता हरे हालेलुया। सब अपने अपने जो आज ऑनलाइन चर्च मेरे को दिखा इधर नहीं तू ना दिखा उधर इधर कर कैमरामैन ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। सब अपने हाथों में प्रभु बोझ को ले लो आप देख रहे हैं ये प्रभु बोझ आज आपकी जिंदगियों को बदलेगा हर ब्रांच ब्रांच को दिखाओ प्रभु बोझ अपने हाथों में पकड़ो परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज हम पश्चाताप करते हैं पवित्र आत्मा जी आज प्रभु बोझ लेने से पहले जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया नया जन्म पाया आज उद्धार पाया उनकी जिंदगियों में आशीष आ जाए आज मेरे प्रभु तू अपना एड्रेस चेंज कर और तू परमेश्वर इनके हृदय में आज अपना जन्म ले यीशु मसीह के नाम में और इसी समय इनके काम खोल दे आज से यीशु मसीह के नाम में जो अब ये प्रभु बोझ ले पवित्रात्मा इनकी जिंदगियां बदल जाए आशीषें इंतजार करें इनका आज गेट पर यीशु मसीह के नाम में प्रभु ब्लेसिंग खोल दे आज जो तेरी देह में से खाता है तेरे लहू में से पीता है वो आजाद हो जाता है परमेश्वर आज कैसी भी समस्या में हो आजाद हो जाए यीशु के नाम में बोला आमीन। सब लोग इस प्रभु बोझ को अपने माथे पर लगाओ और इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करो आज इस ब्रेड को मैं ब्लेस करता हूं और जो खा रहे हैं सूखी हड्डियों में जान भर दे मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे सूखी आज पवित्र आत्मा जी जो लोग प्रभु बोझ लेते हैं उनकी अनॉइंटिंग बढ़ती है वो खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं और शैतान की पावर लूज हो जाती है इसलिए जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है वो ना ले जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया वो ना ले लेकिन जिन ब्रांचों में जिन्होंने लिया है और जिन्होंने अपने कॉइन उठाए हैं फिर से उठाओ लाली तू दिखा नहीं रहा मुझे डब्बी बना दे सारी ब्रांचों की और इसी समय परमेश्वर में सारी ब्रांचों को जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं इसी समय आज से इनके गेट पर कॉइन आए इनके बाथरूम में कॉइन मिले वो मिराकल वाले कॉइन मिले इनके रसोई में किचन में इनकी जेब में इनके गेट में इनकी गाड़ी में कॉइन मिले वो कॉइन एंजल फेंक कर जाएंगे वो मिराकल वाले कॉइन आएंगे वो मिराकल वाले पंख आएंगे याद रखना जिनके पास आएंगे और जिन्होंने हाथ में पकड़े हैं वो इस साल के एंड में अपना मकान बनाएंगे एक नए ऑफिस के साथ आएंगे एक नया फ्यूचर खुलते हुए देखेंगे यीशु के नाम में आमीन। हर ब्रांच आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय मैं हर ब्रांच के लिए प्रेयर कर रहा हूं और जो वहां पर है कपड़े लगाते रहो इनको रुमाल लगाते रहो और इधर मैं प्रेयर करता जा रहा हूँ रुमाल घुमाते रहो और वो रुमाल अपने सिर पर रखते रहो और इसी समय एक जन वॉलंटियर सारी ब्रांचों में जाओ रुमाल लगाओ शाबाश देखो अभी चमत्कार होगा आने दो छोड़ दे निकल आओ 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 फायर 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 मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का ओ मेरे यीशु का मसा डा 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 ओ मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का 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 हां बंधन टूटते देर लगे ना कैदी छूटते देर लगे ना बंधन टूटते वो तलवार चला रहा हूँ शैतानों तुम्हारे ऊपर वचन की तलवार चल रही है डा 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 ड
पीछे से छोड़ दो, निकलो। चिट्टा मोती आजाद हुआ, ये रुमाल अपने सिर पर रख लो। जो दुष्ट आत्मा सताए हुए हैं खड़े हो जाओ, हाथ पकड़े दूसरे का, और आप आजाद हो रहे हो। जिनके पास बच्चे नहीं है पेट पर रख लो रुमाल। जिनको प्रॉब्लम है आज आजाद हो रहे हैं वो, हाथ पकड़ो। ए सीधी खड़ी हो जा, नहीं तो बाहर निकल जा। देखो मैं तीन गिन रहा हूं, पिछड़ जा वॉलंटियर, सारे बोलो यीशु। एक, चंगाई चाहिए तो बोलो यीशु। दो, तीन, ये देखो आ गया यीशु। फायर, फ्री, यीशु का मसा, यीशु। पेट पे हाथ रखो, जल्दी पेट पे हाथ रखो, उठेगा नहीं कोई। परमेश्वर इनके पेट से खिलाया पिलाया, खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आसान हो जाओ, आमीन। जाओ पीछे जाओ और चेक करो फटाफट, अगले 5 मिनट में दौड़ के जाओ, चेक करो गवाहियों के साथ, चेक करो अभी, चेक करो जो यहाँ पर खड़े हो, जो काम आप नहीं कर सकते करके देखो। हर ब्रांच में कर रहा हूं, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी अभी यीशु मसीह के नाम में। पीछे चले जाओ, पीछे लैंड वाले खड़े हो जाओ। हवा चला रुकी, हवा चला यीशु रुकी, हवा चला रुदा जाम पिला यीशु, रुदा जाम पिला।
हालेलुया। हाँ हाँ माइक कर माइक कर माइक कर। कब से परेशानी है आपको? भाई एक साल से परेशानी है, पूरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, यहाँ से बदन में कमर में पूरे जोड़ों में दर्द हो रहा है बाबा जी, बहुत एक साल से दवाई खा रहा हूँ, कोई आराम नहीं भर रहा। यीशु के नाम में अबा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा निकल आओ निकल आओ। छोड़ेगा के लत खाएगा सारे बोलो चितान छोड़ेगा ओए चुप कर छोड़ेगा के जूते खाएगा छटेगा के जूते खाएगा नहीं छोड़ेगा छोड़ेगा के जूते खाएगा बोल छोड़ेगा इसके सिर से कमर से पैरों से श्री यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए यीशु के नाम में बोला आमीन। लड़के मित्र देख यू आर फ्री फ्री यीशु के नाम में आमीन बोलो बोलो आमीन। बेल्ट उतार बेल्ट उतार लड़के बेल्ट उतार चल शाबाश खड़ा होके देख चेक कर दौड़ के देख चल दौड़ के देख दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 लंगड़े दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ के देख दौड़ के देख दौड़ के देख दौड़ के देख दौड़ के जोर से अबे लंबा दौड़ दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे। थैंक यू जीसस। पापा जी अपनी दर्द हो रहा है अपनी दर्द हो रहा ना बैठ के देख बैठ के देख बैठ के देख चाब खड़ा होकर देख आ जीसस फ्री इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। जोर से तारीफ करो जोर से हा हा हा। इसी समय प्रभु का आत्मा तुझे छुए। ये पैरों में तांगे तबीज नहीं बांधना। एक साल से व्हील चेयर एक साल से प्रॉब्लम है। ये तांगे तबीज नहीं पहनना। टांग में दिखा इसने क्या पहना देख। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये पहली बार आया मेरा आदमी नहीं है। कुछ लोग गलत सोचते हैं। उठाओ तोड़ दे तांगे। नहीं टूटेगा तो मैं तेरे को तोड़ूंगा आज। पैरालाइज इज गॉन। शराब टूट जाए। फ्री स्टैंड अप। उठ के देखो शाबाश। हाथ रखो यहां पर। कोशिश करो जोर लगाओ शाबाश। लगाओ जोर। यू आर हील यू आर हील You are healed. You are healed. Yes. Chalo. Hallelujah. Chalo. Hallelujah. Hallelujah. Bolne lag pe dekhunge bhi. Bolne lag pe dekhunge. Lagda bhi dauda daudda jado aunda aatma torda. Pal ban jada kamzor da jado aunda aatma torda. Pal ban. Dekho kaun hai ye church? पैरालाइज के पेशेंट जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आजाद हो जाओ। जो चर्च में खड़े हैं आजाद हो जाओ। बीमारियां बाहर जाए आज। जोर से तारीफ करो जोर से। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे देखो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करते रहो आगे आगे फटाफट। हालेलुया हालेलुया। प्रोफेट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बता रही है इनका 3 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। अभी हमने कहा रुमाल घुमा चेक करो। चेक किया सर्वाइकल से आजाद हो चुके। साडा यीशु अज भूड़ विच आ गया। लंगड़े दौड़ेंगे साडा यीशु अज भूड़ विच आ गया। लंगड़े दौड़ेंगे चोर से तारीफ करो चोर से तारीफ करो चोर से। फिट्स बंद हो जाए। हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। इनको 3 साल से बैक में इनकी प्रॉब्लम थी। चलने फिरने में उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी। अभी आपने बोला रुमाल घुमाओ चेक करो चेक किया आजाद हो गया। महिमा हो तेरी। हाँ बेटे कहाँ से आया आप?
लुधियाने से जी। कब से प्रॉब्लम थी ये? एक साल से कोई काम नहीं कर पा रहे थे। काम कर रहे थे सर, दवाई खाते थे, कोई आराम नहीं पड़ रहा था। अभी आपने कमर में दर्द होता था, टांगों में, कमर में, सारी जगह प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं नहीं दर्द हो रहा। आप बैठ के देखो, शाबाश, खड़े होकर देखो, जोर से तारीफ करो। कौन है चर्च? हालेलुया! जोर से तारीफ करें, जोर से। नेक्स्ट। हालेलुया! प्रोफेट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, बता रही है इनको एक साल से चेस्ट में गिल्टी थी। अभी अपने का रुमाल घुमा, चेक करो, चेक किया, गिल्टी धुआं बन के उड़ चुकी है। ओ मीठा मीठा हंसने के खुल गए, ओ हंसने, मीठा मीठा हंसने के खुल गए। हां बेटे, क्या प्रॉब्लम थी, जल्दी बोल। गिल्टियां गांठे कब से थी? छाती से पीड़ निकल रही है एक साल तो। और अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? आई दूजे मेरे पीड़ निकलना खत्म हो गई है। उन्हें रुमाल घुमाया, हाँ जी, गिल्टियां गंठा उड़ गई ने, उड़ गई जी। किड़े शहर तो आई है? बागा प्राणे तो लंगियाना, मौके तो आई है। तारीफ करो, चोर से आजाद हो जाओ। मीठा मीठा हंसने के खुल गई ओ दसने, मीठा मीठा हंसने के खुल गई ओ दसने। ओ यीशु वाला नाल होवेगा, गवाईया सुन के शैतान रोवेगा, गवाईया सुन के शैतान रोवेगा। हालेलुया! प्रॉफिट जी, इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। मैं हाथ रख रहा हूँ, गुड न्यूज मिलेगी सबको, चेक करो विश्वास के साथ। आओ, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। हालेलुया! प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। तीन साल से इस बैंड को लहू बहने का रोग था, अभी आपने बोला रुमाल घुमाओ, चेक करो, चेक किया, लहू बहने से आजाद हो चुके हैं। जोर से तारीफ करें। हाँ बेटे, कब से दी बीमारी? मैं रुमाल घुमाई तो मेरा लहू बहने का बीमारी चंगी होगी मैं। धन्यवाद। जोर से तारीफ करो, शाबाश। नी मैं चंगी होगी, नी मैं चंगी होगी, ओ चंगी होगी, नी मैं चंगी होगी। हालेलुया! प्रॉफिट जी, भाई बता रहे, ढाई साल से बेड के ऊपर थे, चल नहीं सकते थे। डॉक्टर ने बोला एक साइड ब्लॉक हो गए, नसे ब्लॉक हो गई है। आपने जैसे ही पेशेंट रूम में जाकर आज ले हैंड प्रेयर किया, बता रहे पैरों में जान आई है और लंगड़ा चलने लगा है। यीशु का मसा, मसा यीशु, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। हालेलुया! बेटे, कहाँ से आए आप? बिहार से। कब से प्रॉब्लम थी ये? ढाई साल हो गया। चलने फिरने में बेड पर थे, कोई काम नहीं कर पा रहे थे। अभी हाथ रखा, अभी क्या हुआ? हाँ, आराम है। अभी चमत्कार हुआ है, जोर से तारीफ करो। हालेलुया! नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चल के दिखा, शाबाश। दौड़ेगी दौड़ेगी भी दौड़ेगी, हो जाओ फायर, मेरे हाथ रख के आजाद हो जाओ, विश्वास करो। कब से गिल्टियां गांठे? सीन पसीना पे दर्द था। अभी कब से, अभी कैसे आजाद हुए? रुमाल घुमाया, रुमाल घुमाए, चमत्कार हो गया। जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया! प्रॉफिट जी, इस बैंड को काफी टाइम से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, अभी अभी आपने लेहेंड प्रार्थना की, लेहेंड प्रार्थना करवाने के बाद इन्होंने चेक किया, ये सालों साल के सर्वाइकल से आजाद हो चुके हैं। मैं किसी को छू लूंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा, पवित्र कर दूंगा। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया।
बेबी होने पाए। हालेलुया, प्रोफेट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, बता रही है इनका 2 साल से कमर में गांठ थी, अभी आपने इनकी ले हैंड करी, गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। हाँ बेटे, कहाँ से आए, कहाँ से आए, जूम कर ले से अपनी माँ। लुधियाना से। जूम कर ले से। लुधियाना से आए, दो साल से गांठ पड़ी थी, आज मैंने रुमाल घुमाया। लाली इसका कैमरा दिखा, नीचे वालेगा कैमरा। मेरा दर्द सारा अब दूर हो गया यार, पता नहीं कैसे कैमरा चला रहा है। हाँ शाबाश बेटे, तो कहाँ से आए? लुधियाना से। कब से थी गिल्टियाँ गांठे? मेरा 2 साल से थी ना मैं। और अभी क्या हुआ? अब आराम है, बिल्कुल चंगा। कैसे चंगे हुए? इसको घुमा के अभी रुमाल घुमाया करी, गिल्टियाँ गांठे ट्यूमर वाली गायब हो रही है, लोग बेड पर थे खड़े हो रहे हैं, बेल्टे उतर रही है, व्हील चेयर से आजाद हो रहे हैं, जोर से तारीफ करो। हालेलुया, उठी जानो है, उठी जानो, हाथ एकदम चंगे हो रहे हैं, खड़े हो गए, चंगे हो गए। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगने भी, दौड़ेंगे 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 लगने। देखो ये खुदा का मिराकल है। हाँ बेटे चलो चलो चलो, शाबाश, चलते रहो चलते रहो, फुल दिखा इसको स्क्रीन पर, आपके सामने है, व्हील चेयर पर आए, आज खुद छोड़कर चल रहे हैं, छोड़कर चलो, शाबाश, छोड़ दो, वापी जाओ, छोड़कर, छोड़ दे चेयर, घूम जा, yes. उधर जाओ, उधर वापी जाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से, ओए कैमरे से हट। हाँ शाबाश, चलो चलो चलो, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगने भी, दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका उसकी शांति आप सबके साथ युगानुयुग बनी रहे। बोलो आमीन। जलन झारखंड में मंगलवार मीटिंग है, जिन्होंने कॉइन और आज पर वोट लिया वो आशीष पा रहे हैं, अगले संडे बर्थडे में मिलेंगे नए कपड़ों के साथ। अभी सुनो, और इसी समय मैं ले हैंड प्रेयर सबके लिए कर रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन कराया, परमेश्वर जिसके ऊपर मैं जल डालूं उसको आज चंगा हो जाए, वो यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। कोई बात नहीं, ज्यादा गिरने दे, कम गिरने दे, चंगे हो जाओ। देखो आपके सामने, देखो मैं जल डाल रहा हूँ, दुष्ट आत्मा निकल रही है, ऐसे ही जल डाल रहा हूँ, आपके अंदर से कर्जे निकल रहे हैं, बीमारियां निकल रही है, सारे शराब निकल रहे हैं, आप आजाद हो रहे हो, चंगाई पा रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, अगली चंगाई आपके घरों, आमेन, अगली चंगाई आपके घरों, आमेन, यीशु के नाम में, आमेन, यीशु के नाम, गवाही के साथ। हालेलुया, प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है, ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 12 साल से पेट में गांठे थी, अभी भी आपने बोला रुमाल घुमा, चेक किया, आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, देखो जकी उत्ते यीशु दी गवाही, देखो जकी उत्ते यीशु दी गवाही, ओ बड़े बड़े कम करदा,